हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों, हम भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से एकदम खुश हैं। और अभी देखिए, अभी हमारी जो गौरा बिट्टू हैं तो अभी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये रो रही हैं क्योंकि अभी हमारे मम्मी पापा गए हुए थे ईटा लेने। और हमारी जो गौरी बिट्टू हैं तो उनके दो तीन दिनों से अभी इनका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। अभी हम बाहर बना रहे थे अभी डंबल, तो अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो ये कभी बना दिए हैं और उसका सूखने का वेट करेंगे, कल सूख जाएगा तो इसको कल निकालेंगे। ईंटें लगाए हुए हैं, देसी जुगाड़ से बनाए हैं, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या लगाए हैं और मसाला कैसे बनाया जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो अभी बैक कैमरा करके दिखाते हैं यहाँ पर, तो आप अभी आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाते हैं। और अभी दूसरा डंबल बनाने ही जा रहे थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अभी हमारा डंबल एक बन चुका है। तो अभी इसका सूखने का वेट है, तो कल सूख जाएगा। तो इसके ऊपर पन्नी लगा दी है ताकि चिकनाहट रहे। और इसके नीचे एक है और ईंटें इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि अभी इसके अंदर ईंटों के अंदर अभी लकड़ी लगी हुई थी। और उसके बाद में बीच में जो बीच में थोड़ी सी जगह बची थी तो उसमें बालू डाल दिए हैं। और उसके बाद में ये देखिए ईंटें रखकर उसके बाद में घेर कर मसाला इसमें डाल दिए हैं। तो अभी दोस्तों सुबह हो गई है, आप लोग देख सकते हैं अभी कोहरा बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा अभी कोहरा जमा हुआ है। और आप लोगों को हमने दिखाया था अभी कि हम डंबल बना रहे थे, तो आज अभी सुबह हो गई है तो हमारा डंबल एक रखा हुआ है और दूसरा आज बनाएंगे हम। आप लोग देख सकते हैं ये भी रखा हुआ है और हमारे अमित दद्दा भी बनाए हुए हैं, तो उनका इससे थोड़ा सा बड़ा है और हमारा छोटा बनाए हुए हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाए हैं और हम जिम करना चाहते हैं। और अभी एक ही सिर्फ बना हुआ है, सोच रहे थे कि एक आज बना ले एक कल बनाएंगे, तो एक हम आज बनाएंगे, देखते हैं बना पाएंगे या नहीं। अभी ये जैसे बना लिए हो ऐसे वो बना लेंगे। दोस्तों उसी दिन हम बना तो लिए थे, हमने नहीं बनाया था, हमारे अमित दद्दा ने ही बना दिया था, लेकिन उसमें की जो हम लकड़ी लगाए थे तो लकड़ी छोटी थी। तो ये जैसे आप लोग ये डंबल देख रहे हैं तो एक तरफ जो भी मसाला भरा हुआ है तो वैसे ही हम दूसरा बनाए थे, तो लकड़ी छोटी पड़ गई थी तो उसमें आधे से कम मसाले में पड़ी हुई थी, तो इसीलिए वो सूख तो गई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे उठाए तो जिसमें लकड़ी कम थी वो वाला टूट गया था। तो हम सोचे कि कल दूसरा हम बना लेंगे, तो आज हम दूसरा बनाएंगे। और अभी हमारे मम्मी पापा कल गए हुए थे रेउसा, पेमेंट हमारा निकलवाने, तो कल सर्वर नहीं चल रहा था, तो उसके बाद में जितने भी रुपए थे हमारे मम्मी पापा के पास में तो वो उतने ही रुपए लेकर उसके बाद में चले गए थे बिसवा, वहाँ ईंटें लेने गए थे। तो अभी ईंटें तो वहाँ पर देख आए हैं और रुपए भी कुछ जमा कर दिए हैं 5-6 हज़ार। और अभी कह रहे थे कि शाम को यहाँ पर लेकर आएंगे ईंटें। और आप लोग ये देख सकते हैं ये हमारा डंबल अभी बनकर एक तैयार हो गया है, अभी मसाला का ही हम बनाए हुए हैं, तो अभी इसको यहीं पर रख देते हैं। और उसके बाद में अभी कपड़े उपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, कपड़े उपड़े पहन लेते हैं। और ये देखिए हम लोग कल परसों हम इसकी पटाई कर रहे थे, तो अभी देखिए इसको पाट दिए हैं हम लोग। हमारे पापा लेकर आते थे तसले में और हम मिट्टी भरते थे तसले में फावड़े से, और अभी उस वाले कमरे में अभी डालना स्टार्ट ही किए थे। और उसके बाद में हमारे मम्मी पापा चले गए थे रेउसा पेमेंट निकलवाने, तो उसके बाद में हम अकेले नहीं पाटे और आज दोबारा पाटा जाएगा। दोस्तों हम लोग 3 कमरे अभी बनवा रहे थे, तो हमारे पापा कह रहे हैं कि अभी 3 कमरे देखो अभी बनवा पाते हैं या नहीं, तो अभी जो तीसरा घर बन रहा था तो अभी नहीं बनना स्टार्ट हुआ है, अभी सिर्फ नीचे लिंटर ही पड़ा हुआ है जो नीचे डाला जाता है और उधर थोड़ी
दीवार बन गई है और इधर और पटाई हो गई है। तो हमारे पापा कह रहे थे कि अभी हम तीसरा घर रहने देते हैं बनवाने को, पहले दो कमरे बनवा लेते हैं उसके बाद में बनवाएंगे। हमारी मम्मी कह रही है कि तीसरा भी घर बनवाओ, और कह रही है कि अभी यहीं पर हमारी ससुराल है तो अभी हम अपने भैया से पैसे भी ले लेंगे कुछ उधार, और उनका बरामदा बन रहा है। हमारे पापा कह रहे हैं कि उनका बरामदा बन रहा है तो उसमें भी बहुत सारे पैसे लगेंगे, रुपये लगेंगे, तो हमको इस समय उधार कहाँ देंगे। तो चलो दो ही बनवाते हैं और वो भी रियाय सलाह करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि तीन बनवाएंगे या फिर दो ही कमरे बनवाएंगे। और अभी हमारे जो नाना हैं, नाना नानी, तो अभी देखिए सात बजा हुआ है और इतना सारा कोहरा गिरा है, तो यहाँ पर आकर वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। जो अभी रोड पे दुकान रखी हुई है तो वहाँ पर कोहरा भी बढ़ रहा है। और अभी हमारे पापा मम्मी सब लोग, हमारे बहनें सिस्टर्स अभी सब घर पर ही लेटी हुई हैं, और अभी हम बाहर निकले कि मौसम कैसा है। और कल तो इससे कम कोहरा था, लेकिन आज देखिए बहुत सारा कोहरा अभी जमा हुआ है। और दो तीन दिनों से धूप भी नहीं खुल रही थी, कल परसों धूप भी खुली थी थोड़ी सी, और हम मैच भी खेलने जाते थे लेकिन अभी नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो इसीलिए नहीं जा पाते हैं। पहले मस्त खेलते थे, जाकर जहाँ पर बाजार लगती है वहाँ पर खेलते थे, और इस समय नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे जो गांव के लड़के हैं जिनके साथ हम खेलते हैं हमारे दोस्त, तो अभी इस समय पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। और अभी हमारे स्कूल में छुट्टी होती है तीन चार बजे, तो इसीलिए तीन आ पाते हैं वहाँ पर, 3 बजे 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है और आ पाते हैं 4 बजे, और 5-6 बजे रात हो जाती है, तो इसीलिए एक घंटा ही सिर्फ बचता है, और उसके बाद में उनको उन लोगों को पढ़ाई भी करना होता है, तो इसीलिए चले आते हैं और इस समय हम नहीं जाते हैं अभी स्कूल, क्योंकि अभी हमारे घर में लफड़ा चल रहा था और अभी घर बन रहा है और स्कूल की फीस भी बाकी है। तो अभी हम पापा से कह तो रहे हैं कि हमको स्कूल भेजें, तो अभी आज फिर कहेंगे, और इतने दिन हो गए स्कूल नहीं गए, हो सकता है कि हमारा नाम भी कट गया हो और हमारे सर लोग भी बहुत ही हम पर गुस्सा होंगे, और इसी लफड़े में अभी हमारा घर बन जाता, लेकिन लफड़ा चल रहा था तो अभी घर नहीं बन पाया। और ऐसे हमारे बाद में अभी इधर घर बन रहा है, अब बन नहीं रहा है, वो बन गया पूरा, हमसे बाद में स्टार्ट हुआ था बनना, और हमारी तो अब तक स्लेप भी पड़ जाती और उनके भी स्लेप नहीं पड़ी हुई है, अभी पूरा घर बन गया है, सिर्फ स्लेप पड़ना बाकी है, और हमारा अब तक स्लेप भी पड़ जाती, लेकिन अभी लफड़ा चलने लगा था। तो अभी चलिए घर के अंदर चलते हैं, कपड़ा उपड़ा पहनेंगे, उसके बाद में बाहर निकलते हैं जब कोहरा थोड़ा कम हो जाएगा। अभी रजाई, अभी बिस्तर सब अभी ऐसे पड़ा हुआ है, हमारे मम्मी पापा सब लेटे हुए हैं, तो अभी चलिए हम भी लेटते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, एंड चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू। Bye.